हे वेलकम बैक, आई एम एस के पटेल फ्रॉम पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल, और आज आर्टिकल वो देखने वाले जिसका नाम है डेफिनेट आर्टिकल। इसके पहले के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात कर चुका है इनडेफिनेट आर्टिकल के, यानी कि ए एंड एन, ये वाला हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया है। ए एंड एन का यूज जो था हम लोग पिछले यानी कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो ना साथियों, जाकर के उस वीडियो को देखना और वहाँ से कंसेप्ट सीखना, ठीक है। फिर भी कहीं आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन। तो बात कर रहे थे आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल चल रहा है ना। आर्टिकल का हिंदी क्या क्या होता है जल्दी से बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट। आ जाओ, हम लोग आज सीखेंगे सब आर्टिकल दम, और पहले समझते हैं डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है। तो आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक का नाम है डेफिनेट आर्टिकल, ओके। तो पढ़ने वाले डेफिनेट आर्टिकल, फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज द डेफिनेट आर्टिकल, ये पहले जानना पड़ेगा। हमें जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड डेफिनेट है इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेट का मतलब निश्चित, यानी कि निश्चित। हिंदी निकालो फिर समझ जाओगे, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित, ठीक है, इधर से यहाँ पे निश्चित, ओके। निश्चित का मतलब होता है कन्फर्म, ठीक है, कन्फर्म, यानी कि कोई भी चीज़ एकदम फिक्स हो, कन्फर्म हो, इसके बारे में जानकारी हो। और ये जो आर्टिकल किसके लिए यूज करते हो साथियों, नाउन के लिए, यानी कि कन्फर्म का मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानकारी हो। हम का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में जानकारी हो, ठीक है। जानकारी का मतलब होता है नॉन, जिसके बारे में जानकारी का मतलब क्या होता है, नॉन, ठीक है। अब देखो, ये जो नॉन वाला जो नाउन होता है, जिसके जो नाउन के बारे में आपको जानकारी हो पहले से, उसी को तो हम लोग डेफिनेट उसके साथ आर्टिकल लगाए। जिस नाउन के बारे में जानकारी हो, नॉन मतलब उसके बारे में जानते हैं, उसी के साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। इसके कंसेप्ट पर जाओगे साथियों तो पाओगे एक्चुअली क्या, समझ पाए कि नहीं, ये समझो। फिर से आ जाओ, मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं ये क्या, देखो फिर से बारीकी से समझो, प्यार से समझो, समझ जाओगे। कमेंट के चक्कर में नहीं पड़ो साथियों, आप लोग प्यार से देखो और छठ पाप की कमेंट लो, ठीक है, कमेंट होता है ना, ठीक है। मैंने बात की है कि डेफिनेट के मतलब क्या होता है साथियों, निश्चित, निश्चित यही तो होता है ना साथियों, निश्चित यानी कि कन्फर्म, कन्फर्म यानी कि कन्फर्म मतलब क्या होता है, जानकारी, जिसके बारे में हमें कन्फर्म कहते ना, हम लोग कन्फर्म है, यानी कि हम लोग जानकारी है उस चीज़ के बारे में, जानकारी कहते ना कन्फर्म हम लोग हैं ना। कन्फर्म का मतलब क्या, उस चीज़ों के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, यानी कन्फर्म जानकारी का मतलब हुआ नोन, ठीक है। और जिस नाउन के बारे में, नाउन के बारे में हमें क्या हो, जानकारी हो, नोन पहले से जानकारी हो, उसी नाउन के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हो, इसीलिए हम लोग इसका नाम पर एक एक चीजों से समझना आपको बारीकी, ठीक है। ये समझ में आया ना डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, बताओ हाँ समझ में आएगा ना। अब आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल की, थोड़ा सा ये थे इसके बैकबोन की कुछ जानकारी वाले, ठीक है, नोट करना साथियों, एक एक चीज प्यार से नहीं करोगे कहीं इसमें कोई जिम्मेवारी, ठीक है। और देखो, मैंने बतलाया था आपको पिछले वीडियो में कि दोस्तों को आपको बताना है, उन्हें शेयर करके नहीं आते तो पास ला करके भी बुला के बैठ के पढ़ाना है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में आपका एक ही आता है, जो वर्ड है आपका एची, जिसका मतलब होता है द, ये जो द है ना वर्ड, ये जो द वर्ड है इसका दो प्रोनाउंसिएशन, दो साउंड निकलते हैं, एक तो होता है द, एक तो होता है द, दूसरा होता है दी। अब बहुत सारे बुकों में दी ई वाला भी दी दे देता है, लेकिन हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बट 90% केस में, 90 से 95% केस में द और दी का ही यूज होता, द और दी का ही यूज होता है। यहाँ तक किसी का हो तो बताओ प्यारे, हाँ किसी को यहाँ पे समस्या बताओ, दो प्रोनाउंसिएशन निकलता है, दो साउंड होता है, एक तो जगह पे बोलते हैं द, दिस इज द बॉय, दिस इज द एलिफेंट, दिस इज द एलिफेंट, ठीक है, दिस इज द एलिफेंट, दिस इज द बॉय, समझ रहे हो ना। देखो समझना है बारीकी से, ये जो आपका द दिखाई दे रहा है ना, ये जब कॉन्सोनेंट साउंड हो,
कॉन्सोनेंट, क्या बोला मैंने, कॉन्सोनेंट क्या हो, साउंड हो, ठीक है, जहाँ पर पुट करोगे, जहाँ पर पुट करने वाले होगा तो वो वाला वर्ड का जो साउंड क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए, वॉवेल साउंड होना चाहिए, वॉवेल। और साउंड के बारे में मैंने बताया था किसकी साउंड हम लोग लेते हैं, हिंदी वाले में तो पता है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल देख लो, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो क्या हो जाएगा, जैसे साथी, जैसे देख लो द कार, इसको क्या बोलोगे साथी, द पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे साथी, ये जो ये द दिखाई दे रहा है इसको क्या पढ़ोगे, द कार, ऐसे पढ़ोगे, ठीक। लेकिन इसका एग्जाम्पल देखो, दी एलिफेंट, देखो इसको क्या पढ़ोगे, इस वाले वर्ड को क्या पढ़ोगे साथियों, इसको पढ़ोगे दी। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो मुझे प्यारे साथियों, ये नोट कर लो कि डेफिनेट आर्टिकल एक होता है, डेफिनेट आर्टिकल में वो कौन सा होता है, ये टी एच ई द होता है, क्या मतलब दो अर्थ निकलता है, एक तो द निकलता है, एक दी निकलता है। प्रोनाउंसिएशन में, स्पोकन में, इंग्लिश ग्रामर में से द बोलो दी बोलो कोई कोई दिक्कत, लेकिन इन पर प्रोनाउंसिएशन की जब बात करते हैं हम, जब साउंड की बात करते हैं, उच्चारण की बात करते हैं, एक तो पहले आपका द आता है, दूसरा दी आता है, समझ रहे हो ना मेरे प्यारे साथियों। द का यूज कहाँ करते हो, कॉन्सोनेंट, दी का यूज कहाँ करते हो, वॉवेल साउंड। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत हो गई, तो परेशानी हो तो मुझे बता दो। और ये द का यूज कहाँ कहाँ करते हो, आर्टिकल जो द है, तो आपका आर्टिकल साथ में यहाँ पे द दिखाई दे रहा है, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हो, जो द है कहाँ कहाँ यूज करते हो, किसके साथ हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं ये जान लो, ठीक है, ये जानकारी होना चाहिए, तभी तो लगाओगे आर्टिकल द का यूज करोगे, ऐसे कैसे लगा लो। जैसे मैंने आपको सिखाया था आर्टिकल यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज किस, आपको पता होगा एस सी एन सर काउंटेबल नाउन के साथ करते हो, यहाँ पे जो आर्टिकल द है वो आप यूज करते, बता दो प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी फटाफट कर बता दो आर्टिकल द किसके साथ यूज करें। देखो समझो प्यार से, जो आर्टिकल द होता है ना, समझना, ये तो नोट डाउन करना है, एक एक चीज नोट करना है, ठीक है, ये सारे अभी अभी फिर मैं कुछ बता रहा हूँ, सारी चीज नोट डाउन, ठीक है। ये जो आप आर्टिकल द यूज कर सकते हो किसके साथ, तो आप सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल के बाद नाउन लगा देना, ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन आर्टिकल द यूज कर सकते हो, फिर आप यूज कर सकते हो साथियों प्लूरल भी हो, प्लूरल प्लूरल काउंटेबल में इसके साथ भी यूज कर, प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हो, सिंगुलर भी, सिंगुलर के भी, प्लूरल के भी, यानी कि जिसे गिन सके, जैसे कि आप अरे बॉयज के साथ भी यूज कर सकते हो साथियों, द के लिए कोई इसमें स्पेसिफिक होता है, बताओ किसके किसके साथ यूज कर सकते हो, बताओ यूज ऑफ द का कमेंट करके बता दो मुझे साथियों जल्दी से। कमेंट कर रहे प्लीज जी, अरे यार प्लूरल काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हो, एस सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आई प्लूरल क्या लिख सकते हो और बताओ, अरे प्लूरल नाउन भी होगा तो लिख सकते हो, प्लूरल नाउन भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्लूरल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे जो आर्टिकल द होता है इसमें कोई वो फंडामेंटल नहीं होता है किसके साथ यूज करना, आप चाहो तो सिंगुलर काउंटेबल हो, प्लूरल काउंटेबल हो, और अनकाउंटेबल नहीं लगा देना, ठीक है साथियों, अनकाउंटेबल कोई नहीं लगा, अरे साथियों लिख लो ना, अनकाउंटेबल के साथ भी लगा सकते हो, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है, कैसे, द ऑयल, द ऑयल देखने के बाद मैंने उसमें द ऑयल आता है, द राइस आता है, द पल्स आता है, ठीक है, पल्स सब क्या है, अनकाउंटेबल, तो आप इसको चाहो तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल, यानी कि सभी के साथ लग जाते, लेकिन इसके कुछ रोल भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, समझ रहे हो ना, जिसका अस्तित्व होता है उसका कुछ अस्तित्व भी होता है, समझ रहे हो ना, जो फायदेमंद होता है उसका कुछ नुकसान भी होता है ना हिस्सा, वैसे इसके रोल भी होते हैं, काम से भी होते हैं साथियों। वीडियो में हम ये चीज़ जाने, इसका बैकबोन जाने, आपको अगले इसके वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथियों इसके रूल के कॉन्सेप्ट के बारे में, के लिए क्या करो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो।
जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।